उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 लोगों की जान बचाएंगे बौखनाग देवता। बाहर बनाया गया मंदिर। क्या बौखनाग देवता के प्रकोप से अंधेरी सुरंग में फंसे 41 जिंदगियां? स्थानीय लोगों का दावा सुन होश उड़ जाएंगे। उत्तरकाशी के सिलकेयारा सुरंग में फंसे 41 जिंदगियों को बचाने का काम जारी है। इतने दिनों में पहली बार इन मजदूरों का चेहरा देश के सामने आ पाया। उम्मीद है जल्दी इन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। सिलकेयारा सुरंग हादसे को जहां मानवीय भूल का नतीजा बताया जा रहा है, तो वहीं स्थानीय ग्रामीणों का मानना है कि ऐसा बौखनाग देवता के कोप के कारण हुआ, जिनका मंदिर टनल बना रही कंपनी ने हटा दिया था। अब जबकि 41 मजदूरों को बचाने के लिए इस्तेमाल हो रही हर तकनीक फेल हो रही है, तो तकनीक के साथ ही आस्था का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि 41 मजदूरों को सुरंग से बाहर निकाला जा सके। क्षेत्र के ग्रामीणों के दबाव पर अब कंपनी मैनेजमेंट ने सुरंग के बाहर बौखनाग देवता का मंदिर स्थापित किया है। बौखनाग देवता के पुजारी ने सुरंग में पूजा अर्चना की और शंख बजाया। देवता की आरती करने के बाद उन्होंने सुरंग के चारों तरफ चावल फेंके और मजदूरों को बचाने के लिए किए जा रहे अभियान की सफलता के लिए प्रार्थना की। स्थानीय लोग कहते हैं कि हादसा इष्ट देव भगवान बौखनाग का प्रकोप है। टनल के ठीक ऊपर जंगल में बौखनाग देवता का मंदिर है। कंपनी ने जंगलों को छेड़कर टनल बनाना शुरू किया और बदले में कंपनी ने टनल के पास देवता का मंदिर बनाने का वायदा किया था, लेकिन 2019 में अभी तक मंदिर नहीं बनाया। कई बार लोगों ने कंपनी के अधिकारियों को उसकी याद भी दिलाई, लेकिन अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उल्टे टनल साइट पर कुछ दिन पहले ग्रामीणों का बनाया गया छोटा सा मंदिर भी तोड़ दिया। इसके ठीक बाद टनल में दुर्घटना हो गई। गांव वालों का कहना है कि ये देवता का प्रकोप है। कंपनी को भी अब लग रहा है कि कहीं सच में ऐसा ही तो नहीं, इसलिए टनल साइट पर बौखनाग देवता के पुजारी को बुलाकर बुधवार को श्रीफल फोड़कर पूजा पाठ कराई गई, भगवान के नाम का प्रसाद बनवाया और संकल्प लिया गया कि ऑपरेशन सफल होते ही देवता का मंदिर बनाया जाएगा। वहीं बुधवार को सिलकेयारा टनल ऑपरेशन साइट पर पहुंची टिहरी सांसद माला राज्यलक्ष्मी ने भगवान बौखनाग देवता से प्रार्थना करती नजर आई। दरअसल इस पूरे क्षेत्र में बौखनाग देवता को लोग आराध्य के तौर पर पूजते हैं। सुरंग के ऊपर जंगलों में कई देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। गांव वालों का कहना है कि जब तक स्थानीय देवता को शांत नहीं किया जाता, कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। अब जहन में सवाल ये उठता है कि आखिर ये बौखनाग देवता कौन है, तो इस बारे में जानकारी मिलती है कि बौखनाग देवता नौ नागों में नासुकी नाम के नाग देवता जो भगवान शंकर के गले में विराजमान रहते हैं। बाबा बौखनाग को उन्हीं शिव का अवतार माना जाता है। वेदों और पुराणों के मुताबिक महादेव को सात्विक रूप में तीनों लोकों का पालनहार और तमोगुण रूप में संहारकर्ता भी माना जाता है। जिस प्रकार सात्विक गुण के रूप में बजरंगबली हनुमान को शिव अंश अवतार माना जाता है, उसी प्रकार बासुकी नाग को भी सात्विक गुण के रूप में शिव अंश अवतार के रूप में माना गया है। ये अलग बात है कि भगवान शिव की पूजा अर्चना मूर्ति रूप में नहीं बल्कि लिंग रूप में की जाती है, लेकिन उनके अंशों की पूजा मूर्ति रूप में ही प्रचलित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी।